शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हेलो सर। हाँ बानो, बैठ। लगता है आजकल तेरा धंधा बहुत फॉर्म में चल रहा है, इसीलिए आजकल तेरे को मेरी याद नहीं आ रही है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। पुलिस का टेंशन बहुत बढ़ गया है, आजकल जगह जगह रेड डाल रहे हैं। क्या तेरे को मेरे ऊपर भरोसा नहीं? मेरे होते हुए तेरे को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। क्या तेरे को मालूम नहीं कि अक्का पुलिस डिपार्टमेंट मेरे इशारे पर नाचता है? होम मिनिस्टर है ना, होम मिनिस्टर अपना पुराना यार है। हम लोग तो आपके रहमो और करम पर जी रहे हैं सर, हुकुम कीजिए। अच्छा सुन, मेरा एक बहुत ही खास मेहमान आने वाला है, उसकी खिदमत के लिए। मैं समझ गई सर, रात को लड़की पहुंच जाएगी। माल अच्छा होना चाहिए। माल एकदम चोखा होगा सर, तबीयत खुश हो जाएगी। निकल तू। ठीक है। इस पते पे चले जाना। देखो मेरे बहुत खास कस्टमर हैं, तुम उन्हें खुश कर देना और वो तुम्हें भी खुश कर देंगे। बहुत मालदार पार्टी है, समझ गई ना? समझ गई। क्या बात है बानो, करियन्ना बोलता है। नमस्ते सेठ। अभी तक तेरा आइटम पहुंचा नहीं? पहुंचती होगी सेठ। हाँ बहुत देर हो गई निकले हुए। ठीक है जल्दी कर। नमस्ते सेठ। नमस्ते नमस्ते। बैठ। क्या नाम है तेरा? मनीषा। मनीषा। हेलो। क्या मैं बानो मैडम से बात कर सकता हूँ? जी वो तो नहीं है, वो बाहर गई है। अच्छा ठीक है। चिकना भाई, कल का माल बड़ा जकास्ता भाई। हाँ भाई। चिकना घड़ा के माफिक भाई, आपकी कसम। अबे पोटू थोड़ा गम खा यार, दिन में 100 झूठ बोलता है और अपन की कसम खाता है क्या? हाँ चल मिलते हैं वहीं पे, चल चल फूट ले। ओके बाय। सी यू। ओके बाय। क्या बात है बेटी, तू कुछ परेशान लग रही है? नहीं माँ कुछ नहीं, बस इसी सर में दर्द कर रहा। ला मैं दबा देती हूँ। कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना बेटी? नहीं माँ, भला मैं क्यों परेशान होने लगी? हाय। हाय। अरे क्या बात है मोहन सेठ, बहुत दिनों बाद इस तरफ आना हुआ। क्या आएगा, तुम्हारे यहाँ सब वही पुराना आइटम है। कोई नया माल आया कि नहीं? क्या बात करते हो, आइटम तो रोज नए नए आते रहते हैं। आज इस मनीषा के साथ बैठ जाओ, तबीयत खुश हो जाएगी। वाह क्या चीज है बानो, आज इससे अपन को फुल सर्विस लेने की क्या? अरे नहीं मोहन सेठ, अभी नई नई काम पे लगी है, अभी ट्रेन नहीं हुई है, बहुत जल्द ट्रेन हो जाएगी। ट्रेन नहीं तो क्या हुआ, हम इसे ट्रेन कर देंगे, तुम इसे हमारे केबिन में भेज दो। भेज देती हूँ मगर। अगर मगर छोड़ो, ये लो। हाँ? और उसे वहां केबिन में भेज दो, और तू इधर ही रुक, मैं आता हूँ। हाँ?
क्या नाम है तुम्हारा? चांदनी। वाह, क्या खूबसूरत नाम है। जी शुक्रिया। नहीं आई हो? जी हाँ, एक महीना हुआ। फुल सर्विस करने का क्या लोगी? फुल सर्विस? मैं कुछ समझी नहीं। आओ, मैं समझाता हूँ। ये क्या बदतमीजी है? ए, दो टके की छोकरी, मुझसे आंख मिलाती है? जानती नहीं मैं कौन हूँ? एमएलए का बेटा हूँ। तुम एमएलए के बेटे हो या किसी मंत्री के? क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? ए, मुझसे जबान लड़ाती है? आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। छोड़ो, मैं कहती हूँ छोड़ो, छोड़ दो। इस लड़की को तो मैं सबक सिखा के रहूंगा। गुस्सा थूक दो सेठ, मैंने पहले ही कहा था ये लड़की नहीं है, अभी ट्रेन नहीं हुई है। बानो, मुझे ये लड़की चाहिए किसी भी कीमत पर। होश में आओ सेठ, ये तुम्हारा घर नहीं बानो का पार्लर है, फालतू का टेंशन नहीं चाहिए, समझे? चले जाओ यहाँ से। तो अब तू भी मुझसे ऊंची आवाज में बात करने लगी? तुझे तो मैं तेरी औकात बता के रहूंगा। जाओ जाओ, बहुत देखे तेरे जैसे। चिंता मत करो चांदनी, कभी कभी ऐसा हो जाता है। आ। करी अन्ना बोलता है। हाँ सेठ। बानो, तेरी इतनी हिम्मत के तूने मेरा खास दोस्त लोग को नाराज किया। खास दोस्त? किसकी बात कर रहे हो सेठ, मैं कुछ समझी नहीं। मौन की बात करता है, क्या तेरे को मालूम नहीं वो होम मिनिस्टर का बेटा है। सेठ, मैं उसको समझाई थी वो लड़की नहीं है, मगर वो माना नहीं, मुझसे उलझ गया, लड़की ट्रेन नहीं है। लेकिन तूने भी तो उसके साथ बदतमीजी की है। माफी चाहती हूँ सेठ, मगर आप मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। अगर मैं मोहन को नहीं डांटती तो वो लड़की हम पर शक कर लेती और पुलिस में कम्प्लेन कर देती। आपको तो मालूम है आजकल सेक्शन कितना गर्म चल रहा है। वो सब कुछ मैं नहीं जानता, कल किसी भी तरह से वो लड़की मेरे बंगले पर पहुंच जाना चाहिए। मगर सेठ। करी अन्ना, सेठ को ना सुनने का आदत नहीं है, ये तू अच्छी तरह जानती है। ठीक है सेठ, लड़की कल तक पहुंच जाएगी। जरा क्रीम लेना। आओ चांदनी, बैठो। मैडम, मैं आज से ये नौकरी छोड़ रही हूँ। चांदनी, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करना, हालात को समझो। ये बड़े घर के बेटे हैं, बिगड़े हुए, तुम्हारे कारण मैंने कितना डांटा उन्हें, मेरा धंधा बंद कराने की धमकी दे रहा था। लेकिन मैडम। चांदनी, जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ, मुझे भी इस बात का अफसोस है। अगर नौकरी छोड़ दोगी तो तुम्हारी बूढ़ी माँ का क्या होगा और कैसे पेट भरोगी उनका? चांदनी, जो हुआ उसे भूल जाओ, इस धंधे में तो ऐसा होता रहता है। नहीं मैडम, आज के बाद मैं सिर्फ लेडीज कस्टमर ही अटेंड करूंगी। अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, वरना। ठीक है चांदनी, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी, अगर यही तुम्हारी मर्जी है तो यही सही। ठीक है मैडम, मैं चलती हूँ। ठीक है। देखो मनीषा, इस पते पे चले जाना, सेठ की मसाज करनी है। मैडम, आज मैं नहीं जा सकती, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना है। मनीषा, ये हमारा बहुत पुराना कस्टमर है, प्लीज तुम्हें जाना ही होगा। नहीं मैडम, आज प्लीज आप एडजस्ट कर लीजिए, आज आप किसी और को भेज दीजिए प्लीज। मनीषा, सारी लड़कियाँ जा चुकी है। मैडम, आप चांदनी को क्यों नहीं भेज देती प्लीज? मनीषा, तुम अच्छी तरह से जानती हो चांदनी आउटडोर की सर्विस नहीं करती। चांदनी प्लीज, मेरी खातिर तुम ये केस अटेंड कर लो, मेरी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। मैं तो प्लीज चांदनी,
प्लीज। चांदनी, मैं तुम्हें फोर्स तो नहीं कर सकती, मगर मनीषा की माँ बहुत बीमार है बेचारी, हो सके तो ये केस तुम अटेंड कर लो प्लीज चांदनी। ठीक है, आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ये लो। मेरी बेटी का कुछ पता चला। अरे भाई तू फिर आ गई मेरा दिमाग खराब करने। अरे तेरे को बोला था ना कि पुलिस छानबीन कर रही है, पता चलते ही तेरे को खबर कर देंगे। जा भाई जा, तू मेरा और अपना भेजा खराब मत कर, जा घर पे जाके आराम कर, चल जा 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 जा। साहब आज पूरा एक महीना हो गया ना साहब मेरी बेटी को गायब हुए। साहब भगवान के लिए मेरी मदद करो साहब, मेरी बेटी को ढूंढो साहब, ढूंढो, वही तो मेरा एक सहारा है साहब। अरे भाई पुलिस के पास यही एक काम नहीं है, और भी बहुत से केस है जो हम लोगों को हल करने हैं। तू मेरा भेज मत चैट भाई, जा तू घर जा। अरे जा जा जा, जा, जा जी साहब। क्या है सब, व्हाट इज दिस, शर्म नहीं आती तुम्हें एक बुरी औरत से इस तरह बात करते हुए? समझते क्या तुम अपने आपको? पुलिस जनता की सेवा के लिए होती है, ना कि उन पर राज करने के लिए, समझे? सॉरी सर। क्या चाहे क्या हो? जी साहब जी। आइए माजी बैठिए। देखिए माँ जी, मैं वादा तो नहीं करता, लेकिन आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से आपकी बेटी का पता लगाने की कोशिश करूंगा। मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी बेटा। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है माँ जी, ये तो हमारा फर्ज है। अच्छा जी।